पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल अब मुश्किल में हैं। कभी सरकार के लिए मुसीबत के तौर पर देखे जा रहे हार्दिक की खुद की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अपने उग्र और भड़काऊ भाषण से लोगों को बरगलाने वाले हार्दिक पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस पहले ही चल रहा है। मुकदमों की लंबी होती लिस्ट में अब हार्दिक पटेल पर एक और केस दर्ज हो गया। इस बार केस है डकैती का। मेहसाना जिले में हार्दिक के खिलाफ 3 और शिकायतें दर्ज हुई हैं। बेचराजी और मोढ़ेरा में सार्वजनिक अधिसूचना का उल्लंघन करने में उनका हाथ बताया जा रहा है। यही नहीं, विसनगर पुलिस ने एक डकैती के लिए जिन उपद्रवियों पर चार्ज लगाया है उनके कनेक्शन भी हार्दिक के साथ बताए जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। 23 जुलाई को एक पाटीदार रैली के दौरान फूटी हिंसा और बर्बरता में भी हार्दिक का हाथ है। विसनगर पुलिस इंस्पेक्टर MS वाघेला के हिसाब से हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मीडिया वालों के कैमरे भी छीनकर तोड़ दिए। मेहसाना पुलिस ने कहा है कि वो ट्रांसफर वारंट के जरिए सूरत पुलिस से हार्दिक की कस्टडी चाहते हैं। उनके पास हार्दिक के ऊपर डकैती का केस लगाने के लिए काफी सबूत हैं। हार्दिक की कस्टडी लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में एक ट्रांसफर वारंट की अपील भी कर दी है। हाल ही में हार्दिक को सूरत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हजीरा पुलिस स्टेशन में हार्दिक से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इस लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें शुक्रवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब आपको बता दें कि हार्दिक पर जो राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ है वो कथित तौर पर उनके 3 अक्टूबर के भड़कीले बयानों की वजह से हुआ है। इन बयानों में हार्दिक पाटीदारों को ये कहकर उकसाते हुए दिखाई दिए कि वो आत्महत्या करने की बजाय पुलिस वालों को मारे। आए दिन कोई ना कोई बवाल मचा देने वाला बयान देने वाले हार्दिक इन दिनों गलत चीजों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके कारनामों को देखें तो यही लगता है कि ये उनका शगल है और वो बदनाम में भी तो नाम है वाली थ्योरी पर भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर भी अक्सर उनकी कोई ना कोई तस्वीर या बयान वायरल होता ही रहता है। यही नहीं, अभी हाल ही में पुलिस को क्रिकेट मैच के दौरान हंगामा करने की फिराक में दिख रहे हार्दिक को हिरासत में लेना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि पटेल आरक्षण के नाम पर राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश में लगे हार्दिक के साथ भला लोग क्यों जुड़े। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।